निर्वाचन आयोग के आयुक्त वीपी सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों को नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में निर्देश दिए। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में सभी आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश में दो चरणों में नगरीय निकाय संस्थाओं के निर्वाचन सम्पन्न होंगे। निष्पक्ष तथा स्वतंत्र निर्वाचन की समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध रखें, जिससे मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सके। संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्र में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध करें। चुनाव के संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई आने पर निर्वाचन आयोग से संपर्क करें। अधिकारियों तथा कर्मचारियों से निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पूरी तरह से पालन कराएं और निर्वाचन संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण कराएं। जनपद स्तरीय वो हैं, उनके निपटने के बाद में उन्हीं के जो नगरीय निकाय हैं, दो या तीन उनका निर्वाचन होना है। उसके बाद में फिर नगर निगम सहित जो हमारे बाकी शेष 12 कुल यहाँ पे नगरीय निकाय हैं, छोटे बड़े, उनका निर्वाचन संपन्न होगा। सुरक्षा व्यवस्था को भी जी हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय ने कल सभी SDMs के साथ में, SDOPs के साथ में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए और निर्वाचन की तैयारियों को लेकर बैठक की थी। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की भी आज ट्रेनिंग हो रही है और ये हम लोगों का प्रयास है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में निर्वाचन नियमों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की इच्छानुसार और जो विभिन्न प्रकार के निर्वाचन नियम अधिनियम बने हैं उनके आलोक में अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हो।